कुकिंग में बनाने वाले हैं। ये मूली है दोस्तों, व्हाइट वाला मूली, इसको मैं अच्छे से कटिंग कर लिया धुलाई करके। आइए आलू लिया हमने, आइए मटर है, आइए टमाटर। इसके आपको एकदम वेजिटेबल वाला रेसिपी दिखाएंगे बिना आधा लहसुन का, और प्याज भी हम ऐड नहीं करेंगे, जीरा छोक के इसका बनाएंगे, एकदम वेजिटेबल टाइप का होएगा। तो आप वीडियो देखिए पूरा जो मैं कुकिंग कैसे करता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है। दोस्तों मैं आलू और मटर देखे पहले भी रेसिपी दिया हूँ, तो आप जाके देख सकते हो, वो भी वीडियो मिल जाएगा। आज हम मूली देखे देने वाले, मूली आलू और मटर का। दोस्तों मैंने पहले नहीं दिया मूली आलू और मटर का, पूरा वेजिटेबल वाला। ये हमारा बंगाली लोग का टाइप का सब्जी बना के दिखाऊंगा, गिल्ला नहीं होगा ये दोस्तों, सूखा सूखा टाइप का भाजी बनेगा, तो ये आपको भाजी दिखाने वाला हूँ। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। देखिए हम कढ़ाई पे तेल डाल दे दिया, अब इसको गर्म होने देते हैं, उसके बाद हम इसमें जीरा छोक देंगे। देखिए दोस्तों तेल गर्म हो चुका है, तो हम इसमें जीरा डाल देंगे पहले थोड़ा सा, और इसके जीरा के छोक देंगे पूरा। जीरा देखिए हम बनाएंगे, मतलब मसाला में हम प्याज या लहसुन अदरक बिल्कुल ऐड नहीं करने वाले, एकदम पूरा भेज टाइप का बनाएंगे। देखिए हमारा जीरा लाल हो गया, बाकी जो हमारा सब्जी से हम काट के रखे उस सब साथ में डाल देंगे, मटर भी आलू भी और मूली भी सब साथ में हम ऐड करने वाले हैं। देखिए एक चम्मच नमक दिया दोस्तों हमने, तो ये पूरा गीला नहीं बनेगा, सूखा टाइप का भाजी बनेगा, तो नमक आपको अपने हिसाब से दीजिएगा। अभी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, अभी आधे चम्मच दिया, अभी इसको मिला देंगे। अब इसको ढक देंगे दोस्तों, गैस को कम करके रखेंगे 5 मिनट इसको फ्राई होने के बाद, फिर इसमें हम टमाटर देख लेते हैं हमारा सब्जी कितना फ्राई हुआ। गैस को कम करके रखा था, गैस को तेज कर देंगे, अभी इसमें टमाटर ऐड करेंगे। दो टमाटर दे दिए, अब इसमें धनिया पाउडर देंगे, आधा चम्मच और मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। आपको तीखा जितना पसंद है उतना इस हिसाब से दीजिएगा। इसलिए मैं आधा चम्मच दे रहा हूँ, थोड़ा सा लेंगे। आलू से मुझे दिया दोस्तों, पूरा भर्ती नहीं हुआ, आधा आधा चम्मच करके थोड़ा पूरा डोबा करके उठाए, अब इसको मिला देंगे अच्छे से। अब उसको पूरा वीडियो देखिएगा, आप मेरा फेसबुक सेशन भी जाके देख सकते हैं, आपको सेम रेसिपी मिल जाएगा उधर भी, तो उधर भी मुझे जाकर फॉलो करिए दोस्तों, और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं आप। मैं भी उधर का मैं आज के कुकिंग का फोटो डालता हूँ, तो आप मेरा चैनल पर भी आकर देख सकते हैं मेरा पूरा वीडियो। अब इसको 2 दिन मैंने ढिला के उसके बाद हम इसमें मिला देते हैं, मिला के उसके बाद हम थोड़ा पानी डालेंगे इसमें। अरे एकदम भेज टाइप का बनाया दोस्तों, एकदम कम मसाला देंगे, ये सब्जी आप ऐसे बनाइएगा बहुत अच्छा होता है ये सब्जी। और अभी ठंडी का मौसम है तो मूली का भी सीजन है, तो मूली सब्जी बहुत अच्छा लगता है। देखिए हम पानी ऐड करेंगे इसमें, थोड़ा सा पानी देंगे, जो हमारा आलू और मूली है वो सीज जाए, और मटर भी है, मटर भी कच्चा ही है सब, उसे सीजने के लिए अब गैस को कम करके
इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। उतारने का टाइम भी इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता देंगे। एकदम सिंपल तरीका है, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कुकिंग करने में, लेकिन ये बहुत स्वाद वाला रेसिपी है दोस्तों, तो आप पूरा जरूर ट्राई करिएगा। देखते हैं दोस्तों हमारा सब्जी कितना पक गया है। सब पक गया है दोस्तों, मटर आलू मूली सब पक गया है। बस इसमें ऐसे रहेगा दोस्तों, इसमें हम थोड़ा अभी धनिया पत्ता ऐड कर देते हैं। और आपके पास नहीं है तब भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा दे रहा हूँ, मेरे पास भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। इसको मिला देते हैं और धनिया पत्ता देने के बाद हम ज़्यादा देर इसको ये नहीं करेंगे, पकाएंगे नहीं, बस हमारा सब्जी बनी चुका है। धनिया पत्ता का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा होता है, ठंडी का मौसम में धनिया पत्ता पूरा ताज़ा ताज़ा धनिया पत्ता रहता है। देखिए अभी हम बंद कर देंगे दोस्तों गैस, पूरा बन गया हमारा सब्जी। और ये वीडियो पूरा ही दिखिएगा तभी आपको पता चलेगा मैंने कुकिंग कैसे किया, ये एकदम कम मसाला में वेजिटेबल वाला रेसिपी। तो आपको प्लेटिंग करना दिखा देते दोस्तों, हमारा सब्जी पूरा बन गया, गैस बंद कर दिया मैंने। ये दोस्तों हम सब्जी बना के रेडी कर दिए, तो आपको प्लेटिंग करना दिखा देते हैं। ये देखिए एकदम सूखा टाइप के बनाया मैंने सब्जी का। ये सब्जी आप बनाइएगा, पूरा कुकिंग करिएगा, पता चलेगा आपको मैंने कैसे, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको पता चलेगा। बाय दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए।